लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। राष्ट्र हित व हिंदुत्व जन जागरण के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रयासरत प्रसिद्ध संगठन भारत रक्षा मंच ने आज अपने प्रदेश कार्यालय वीपी हाउस में अपने 8वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत रक्षा मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी के सिंघल ने उपस्थिति संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को मंच की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर सिंघल ने प्रमुख रूप से पूरे भारतवर्ष में अन्य देशों से मुसलमानों की घुसपैठ, एनआरसी, जनसंख्या वृद्धि व भारतीयकरण पर अपने विचार रखे। प्रदेश संगठन मंत्री विनोद चरण ने संगठन के क्रियाकलापों के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं प्रदेश महासचिव शशांक चोपड़ा ने संगठन के सदस्यता अभियान के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर समारोह में एकल ग्रामोत्थान संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र मोहन अग्रवाल, आरोग्य भारतीय दिल्ली प्रांत के सुरेश, शिव नवग्रह मंदिर धाम चांदनी चौक के महंत शिव शंकर व गौ सेवक समाज से लोकेश शर्मा तथा लेबर वेलफेयर फाउंडेशन से प्रवीण चतुर्वेदी सहित स्थापना दिवस समारोह दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सम्मानित पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे।